गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन धन का जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जीवनी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। सत सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी को सारी दुनिया जानती है, मानवता के मसीहा, अमन शांति का पैगाम देने वाले, सबको प्यार बांटने वाले सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर, जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन और शांति का संदेश दिया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने साल 1980 से लेकर 2016 तक संदरंकारी मिशन के प्रमुख के पद पर रहकर मानवता की सेवा की और जन जन तक मानव कल्याण का संदेश दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि मानवता ही हर धर्म का आधार है और मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सभी धर्मों के इंसानों को एक रंग में रंगने की अमूल्य कोशिश की। सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। बाबा जी यही चाहते थे कि सारी दुनिया में मन शांति आ जाए। 24 अप्रैल 1980 को जब बाबा गुरुबचन सिंह जी अपने भक्तों को अहिंसा और प्रेम की राह दिखा रहे थे, तभी हिंसक प्रवृत्ति ने उनकी हत्या कर दी और बाबा जी के बलिदान से इंसानियत चीख उठी। उसके बाद 27 अप्रैल 1980 को बाबा हरदेव सिंह जी ने संदरंकारी मिशन की कमान संभाली। बाबा हरदेव सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा शुरू की गई निरंकारी परंपरा के उस वृक्ष को संभाला जिस पर बाबा अवतार सिंह जी की अवतारवाणी के पुष्प खिल रहे थे। निरंकारी बाबा जी ने संदरंकारी मिशन को सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाया और आज संदरंकारी मिशन के 27 देशों में अपनी साथ संगत है। बाबा जी ने सिर्फ मिशन ही नहीं बल्कि कैसे कैसे सामाजिक कार्यों में भी एक अमूल सिखलाई दी, अनमोल सिखलाई दी, समाज को एक नई दिशा दी, नई राह दिखाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जिससे इंसानियत जिंदा हो उठे और दुनिया में भाईचारा फैल सके। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जितना हम गुणगान गाएं उतना ही कम है। एहसान चुकाया जा नहीं सकता हरदेव तेरे एहसानों का। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा गुरुबचन जी पिता और माता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा हरदेव अपनी चार बहनों के इकलौते भाई थे। बाबा हरदेव सिंह जी की शुरुआती पढ़ाई रोजरी पब्लिक स्कूल दिल्ली में हुई तथा बाद में शिक्षा पटियाला के यादवेंद्र स्कूल में हुई। बाबा जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। ये बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के थे। उनकी इस सादगी और आध्यात्मिक सोच के कारण उनके दोस्त उनको भोला बाबा भी कहते थे। घर में आध्यात्म की ज्ञान गंगा बह रही थी और आध्यात्म के उसी ज्ञान में डुबकी लगाकर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने वर्ष 1971 में निरंकारी सेवा दल ज्वाइन किया और सेवा करना शुरू किया। 14 नवंबर 1975 को उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की और निरंकारी भक्तों के परिवार से जुड़ी सुंदर सुशील और कर्मठ सविंदर जी को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया और इस तरह से उनके सफर में हम सफर जुड़ गया और पूरा निरंकारी समुदाय खुशी से झूम उठा। लेकिन जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जिंदगी में कुछ पता नहीं होता किस पल खुशियां आ जाए और किस पल गमों का पहाड़ टूट पड़े। तो 24 अप्रैल 1980 को जब गुरुबचन सिंह जी ने अपने भक्तों को अहिंसा की राह पर हर एक मानव की सेवा और कदर करने का संदेश दे रहे थे, तभी हिंसक प्रवृत्ति के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। बाबा जी के बलिदान से हर तरफ हाहाकार बच गया और हर तरफ एक बोझल सन्नाटा छा गया और बाबा हरदेव सिंह जी ने इस दुखमयी घड़ी में सदगुरु बनने का महान सफर शुरू हुआ और बाबा हरदेव सिंह जी फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ सारी साथ संगत को फिर उन्होंने संभाला, एक सबको नई दिशा दी, नया रास्ता दिखाया। कितने भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, सिद्ध पुरुष उस पर खरे उतरते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां थीं। 27 अप्रैल 1980 को साथ संगत की सेवा करने वाले बाबा हरदेव सिंह जी को सत्य गुरु का चोला पहना दिया गया और बाबा हरदेव सिंह जी को निराश, हताश और शोकाकुल दिलों की रहनुमाई सौंपी गई और बाबा हरदेव सिंह जी ने
बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा शुरू की गई निरंकारी परंपरा के उस वृक्ष को संभाला जिस पर बाबा अवतार सिंह जी की संपूर्ण अवतार वाणी के पुष्प खिल रहे थे। इसे बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने लहू से सींचा तथा यह एक कठिन कार्य था। हिंसा के शिकार भक्तों को अहिंसा का ज्ञान देना आज के जमाने में जब धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला हो, हर तरफ अशांति के विशाल नाग फन लहरा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों का अलग ही महत्व है। बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी मिशन के चौथे गुरु के रूप में अपनी सेवाएं की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी वसुदेव कुटुंबकम के असूलों का प्रचार करते थे। उनका कहना था कि इंसानियत ही धर्म है, इंसानियत की धर्म की बुनियाद और आधार है, यही निरंकार है जो हर इंसान के अंदर है। इसलिए हर इंसान की कद्र करें और हर इंसान की सेवा करें। निरंकारी समुदाय में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई चारों धर्मों के लोग सम्मिलित हैं। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। निरंकारी की संख्या करीब लगभग 2 करोड़ है। बाबा हरदेव जी के वचनों और कठिन प्रयासों के बाद आज निरंकारी बाबा जी ने दुनिया के 27 देशों में निरंकारी मिशन को फैला दिया और अमन शांति का पैगाम दिया। निरंकारी मिशन इंसानों के लिए वो दर है जहां निरंकार फॉर्मलेस गॉड को आधार मानकर ना कोई जात पात देखी जाती है, ना किसी धर्म को देखा जाता है और ना ही किसी की पदवी, बस एक चीज देखी जाती है, वो है इंसानियत। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने बहुत सारी टीचिंग्स, बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी, जैसे रक्तदान, वृक्षारोपण, फ्री हिल चेकअप, सेवा, स्वच्छता, स्कूल कॉलेज, आपदा में धन राशि, महिला व युवा शक्तिकरण, सभी क्षेत्रों में निरंकारी मिशन द्वारा फ्री सेवा की गई और इनको समाज और सरकार द्वारा खूब सराहा गया। ब्लड डोनेशन में निरंकारी मिशन की बहुत भूमिका है, जिनको साल 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी हमेशा एक बात कहते थे कि खून दसों में दौड़ना चाहिए, नालियों में नहीं। खून नालियों में बहे ना कि नालियों में। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी पूरी दुनिया में रह रहे निरंकारी समुदाय तथा संसारिक लोगों को अमन और शांति का संदेश देकर, लगातार बचपन से इंसानियत का पैगाम देकर, दुनिया में भाईचारे और मिलवर्तन का संदेश देकर 13 मई 2016 को मॉन्ट्रियल कनाडा में एक कार एक्सीडेंट में इस पंच तत्व के शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और दुनिया में प्यार, प्रेम, भाईचारा, मिलवर्तन, इंसानियत सिखाने वाला एक मसीहा फिर उस दुनिया से अलविदा कह गया। निरंकारी बाबा जी की इस अकस्मात निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य लोगों ने दुख जताते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। 17 मई 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की धर्मपत्नी सविंदर कौर जी को मिशन का 5वां प्रमुख चुना गया और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की जिम्मेदारी को फिर आगे माता जी को सौंपा गया। 18 मई 2016 को निगम बोध शमशान घाट में जो उनका अंतिम संस्कार वहां पर हुआ और सबने उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने मानव और मानवता को समर्पित जीवन जी कर दिखलाया, इंसानों से प्रेम प्यार का पाठ सभी को पढ़ाया, प्यार करने की शिक्षा दी और सभी इंसानों के साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहना सिखाया। क्योंकि धर्म के नाम पर यदि हम लड़ने लग जाएं तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, भगवान, अल्लाह को भी बदनाम करेंगे। इसीलिए यह माने कि सभी एक ही निरंकार परमात्मा के संतान है और हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।